हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विद नीति में। तो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है, ओडिया की फेमस रेसिपी काकड़ा, जो कि कच्चे नारियल से बनाई जाती है, कच्चे नारियल और चीनी से। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, हम यहाँ पर ड्राई कोकोनट और मावे से बना रहे हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और इस रेसिपी को जगन्नाथ भगवान के भोग में भी प्रसाद के रूप में लगाया जाता है। तो घर बैठे हम इस प्रसाद को बना सकते हैं और इसका मजा ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं बनाना। तो काकड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर आधा कप सूजी ली है और एक कप हम पानी ले लेंगे, मेजर कर लेंगे। तो ये जो पानी है इसको हम डालेंगे एक बर्तन में और इसको हम गरम कर लेंगे, तेज गरम करना है। और अभी यहाँ पर हम डाल रहे हैं 2 पिंच नमक ऐड करेंगे, साथ में हम यहाँ पे 2 छोटे चम्मच शुगर ऐड करेंगे, 1 चम्मच यहाँ पर हम सौंफ दरदरी कुटी हुई और 1 स्पून हम इसमें डालेंगे घी और इसमें बॉईल आने देंगे, चला लेंगे। बॉईल आ गया है, चीनी से अच्छे से इसमें मिल गई है, गैस की फ्लेम लो कर देंगे और जो हमारी 1/2 कप सूजी है उसको हम डालेंगे और इसको हम चलाते रहेंगे। इसमें कोई भी लम्स नहीं पड़नी चाहिए और इसे चलाते हुए हमें थोड़ा सा थिक कर लेना है, लाइक ए डो, हमें इसका डो बना लेना है। ये हमें इसे चलाते हुए ही ये डो बन जाएगा। गैस की फ्लेम लो ही रखनी है और आप देख रहे हैं ये हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको ढककर लगभग 25 से 30 मिनट्स रख देते हैं और हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए यहाँ पे मैंने 1/2 कप लिया है कोकोनट, ड्राई कोकोनट भी ले सकते हैं आप, और अगर आपके पास कच्चा नारियल है तो आप उसको भी ले सकते हैं। ये मैंने हल्का सा ऑलरेडी रोस्ट किया हुआ था। अब यहाँ पर वैसे तो ये नारियल और शुगर से ही बनाई जाती है काकड़ा, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको चेंज कर रहे हैं, ट्रेडिशनल रेसिपी है, थोड़ा सा और फ्लेवर आने की वजह से यहाँ पर हम डाल रहे हैं खोया। ये लगभग हमारा 4 टेबल स्पून हमने लिया है खोया, इसको हम डालेंगे नारियल के साथ। ड्राई कोकोनट लिया है हमने, आप कच्चा नारियल भी ले सकते हैं, और साथ में हमने 4 चम्मच लिया है मावा, और ये हमने लिए हैं यहाँ पर बादाम कटे हुए, साथ में हमने 2 से 3 इलायची, इसको हमने दरदरा कूट लिया है, और इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट सभी चीजों को हमने भून लिया है। अगर आप इसमें साबुत चीनी डाल रहे हैं तो आपको डालकर और ज्यादा उसको थोड़ा भूनना होगा उसको मिलने तक, लेकिन हम इसमें चीनी नहीं डाल रहे हैं, हम इसमें डालेंगे शुगर पाउडर। आपके पास अगर बूरा है तो आप बूरा भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास खांड होती है वो अगर आप डालना चाहें या करारा तो वो भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, आप कुछ भी डाल दें इसमें मीठे के लिए। और दूसरा, आप जो मीठा डालेंगे वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगभग 4 से 5 स्पून शुगर पाउडर डालेंगे, ध्यान रहे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तभी डालें, वरना क्या होगा ये मेल्ट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हमने ये मिक्स कर दिया है, स्टफिंग अच्छे से मिल गई है और हमने बाउल में निकाल ली है। अब हम चलते हैं अपने डो की तरफ, इसे निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में। अब हम क्या करेंगे, हल्का सा हाथ पे लगाएंगे ऑयल और इसको मसल कर इकट्ठा कर लेंगे। अभी हमें क्या करना है, ये डो तैयार हो गया है और इसके अपने मनपसंद साइज से बॉल बना लेनी है, जितना भी बड़ा आप साइज चाहें इसका उतना बड़ा आप इसको बॉल बना लेंगे सारे ही डो से। अभी हमने बॉल लिया है और इसको हम इस तरीके से घुमाते हुए इस तरीके से अब हम इसमें स्टफिंग रखेंगे। इसको ध्यान से बंद कर लेंगे क्योंकि अगर मीठा बाहर आ जाएगा तो वो क्या होगा, हमारा निकल जाएगा और ऑयल में फैल जाएगा। इस तरीके से
और हमें इसको बेलना नहीं है, फिंगर नहीं लगानी है, जो हमारी हथेली है उसकी हेल्प से हम इसको हल्का सा इस तरीके से दबाते हुए किनारे देख लेंगे, बिल्कुल भी क्रैक ना हो, और बहुत ही हल्के हाथ से हम इस तरीके से बना लेंगे अपने खाखरा। सारे डोसे हम तैयार कर लेते हैं। ये मैंने डो डाल के देख लिया है, ये ऑयल हमारा परफेक्ट गरम हो चुका है। आप चाहें तो इसमें ऑयल में या फिर घी में आप इसको सेक सकते हैं। तो ऑयल गरम कर हम इसको लो मीडियम कर देंगे और अलट पलट करके क्रिस्पी होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। ध्यान रहे बहुत ज़्यादा उल्टा पलटी नहीं करनी है, क्योंकि अगर ये फूट जाएंगे तो इसकी स्टफिंग निकलने का डर रहता है। तो एक बैच में जितना आ जाए आप उतना ही डालेंगे इसको, और अलट पलट करके सेक लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। पलट देते हैं इसको, तो ये हमारे काकरा बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही फेमस रेसिपी है, मावा काकरा है, बहुत ही टेस्टी है। घर बैठे ही उड़िया की हम फेमस रेसिपी का घर पर बैठे आनंद ले सकते हैं। तो बनाइए, खाइए। बनाते हो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो सूजी है उसका मेजर कर लेंगे, और जितनी सूजी है उसका दुगना हमें पानी लेना है। शुगर अपने चॉइस से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और आप इसको मीडियम फ्लेम पर जब हम इसको फ्राई कर रहे हैं तो बॉल बनाकर अच्छे से पहले रख लें, फिर उसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें। और आप इसको खाएं, प्रसाद में भी रख सकते हैं या रखते हैं। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी डेजर्ट है, ट्रेडिशनल रेसिपी है। तो ज़रूर बनाकर खाइए, बच्चों को खिलाइए, और वीडियो ज़रूर पूरा देखिए, और कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।